अगर दुपट्टे अच्छे से सेट ना ना किया हो तो जितना मर्जी एक्सपेंसिव ड्रेस हो, जितना मर्जी मेकअप किया हो ना, लुक ख़राब हो जाती है। मैं जैसे खुद अपना दुपट्टा सेट करती हूँ, ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे सारी एम्ब्रॉयडरी भी बड़े अच्छे से नज़र आती है। सेफ्टी पिन थोड़ी बड़े साइज़ की ले लेनी है आपने। दुपट्टे को मैंने उल्टी साइड पर फोल्ड किया है, बिल्कुल सेंटर में जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, ये देखें बॉर्डर जो है उसके साथ मैंने पहले सेफ्टी पिन लगाई है इस तरीके से, और आधा जो है हाफ दुपट्टे की जो साइड है इसके प्लेट्स डालते हुए 4 से 5 बन जाएंगी। जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच है उसका वेलवेट का, उसकी बैक साइड के ऊपर यानी यहाँ पे एक मैं सेफ्टी पिन लगा लूँगी, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये बैक साइड है, उल्टी साइड है दुपट्टे की। उल्टी साइड से जब फोल्ड करके हम सीधा करेंगे तो सामने से जब दुपट्टा ओपन होगा तो हमारी सारी एम्ब्रॉयडरी नज़र आ जाएगी यूँ करके, ठीक है। अब जनाब इसे जब आपने ये अब यहाँ से ओपन होगा तो सारी सीधी साइड की एम्ब्रॉयडरी नज़र आएगी। अब इसे आपने शोल्डर के ऊपर रखना है, नीचे से शर्ट की लेंथ जितनी हो फ्रंट कम अज़ कम, ठीक है। ऐसे ही नहीं रख के लगा देना, शर्ट के ऊपर नहीं, जहाँ पे आपकी नेक है ना वहाँ तक इस दुपट्टे को लाया करें, नहीं तो शर्ट के ऊपर बहुत वेट पड़ जाता है जिससे आपकी नेक बहुत डीप नज़र आना शुरू हो जाती है। क्योंकि सब मेरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था तो मैंने यहाँ पर भी सेफ्टी पिन लगाई, एक तो आगे से मूव नहीं करता, आप लोग ईजिली जनाब फिरें टूरें अपना इवेंट इन्जॉय करें। बैक साइड से दुपट्टा ला के एल्बो जहाँ पर कोनी बनती है यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया। अगर आपका दुपट्टा बहुत बड़ा है तो आप इसे यहाँ से ले जाके नीचे दुपट्टे को भी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। ये देखिए बैक भी आपकी अच्छे से कवर होगी, फ्रंट भी, दुपट्टा मूव भी नहीं करेगा, तो आप लोग इजीली अपना इवेंट जो है एंजॉय कर सकते हैं।